नमस्कार। आज मैं एक नया शो शुरू कर रहा हूं और मैं इसको इसलिए सौभाग्य मानता हूं कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के साथ इस नए शो की शुरुआत कर रहा हूं जिसका नाम है फोर्थ पिलर सेवियर, जो चौथा खंभा है उसके रक्षक के रूप में देखता हूं। और मैं इसको इसलिए सौभाग्य मान रहा हूं कि अभी दिल से और अपने अंदाज से अभी भी बहुत जवान, लेकिन आई कैन कॉल हिम द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन टेलीविजन। जहां तक न्यूज चैनल की बात है, मैं बात कर रहा हूं विनोद दुआ साहब की। 1974 में, आज से 47 साल पहले, पहला टीवी अपियरेंस जिस आदमी का हुआ हो, तो उसको 47 साल की उम्र बहुत लंबी उम्र होती है। 84 में दूरदर्शन में आप और डॉक्टर प्रणव रॉय का जो एक जुगलबंदी हम लोग देखते थे, वो अभी तक याद है। और जहां से वो इलेक्शन एनालिसिस का जो इन्होंने बीज बोया था, आज वो कितने बड़े वृक्ष के रूप में, वो वृक्ष कितना किस तरह से उसपे कितने नए नए चैनल हो गए हैं केवल इलेक्शन एनालिसिस की। और एक इनका मैं लैंडमार्क कार्यक्रम दो की हरदम बात करूंगा, एक जनवाणी 1985 जिसने काफी कुछ सरकार पे नकेल लगाने का काम किया था, वो हम सब लोगों को वीपी सिंह के साथ जो इनका एक कार्यक्रम था वो याद है। फिर एक और मैंने इनका आयाम देखा, मैं एक इनका टीवी शो आता था जायका इंडिया का, और मुझे लगता था कि ठीक है, मतलब इतने सीरियस वो हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट, मेरे मैं बहुत कुछ सीखता था इनसे एज एज न्यूज जर्नलिस्ट। मुझे नहीं मालूम था कि इतने पॉपुलर इसमें। जब एक बार लखनऊ मैंने इनको आग्रह किया था आने का, तो एक बड़ी तादाद इनकी जायका इंडिया इंडिया का के फैंस की थी। मतलब वो मैं बड़ी तादाद में लोग थे जो न्यूज से ज्यादा उस वजह से इनको जानते, तो खास करके उसमें महिलाएं ज्यादा थी। एक विशेष बात विनोद दुआ साहब के लिए, ये प्रिंट मीडिया में इनका बहुत दखलंदाजी नहीं रही और ये सीधे इलेक्ट्रॉनिक किया और इलेक्ट्रॉनिक से सोशल मीडिया पे आ गए हैं। मैं शुरू कर रहा हूं इस बात से विनोद भाई कि आप एक कोई एनेक्डोट, कोई पुरानी एक ऐसी चीज करें, क्योंकि हम लोग जनरली उसको लास्ट में रखते हैं। मैंने कहा शो की शुरुआत ऐसे करें, आपने इमरजेंसी देखी, आपके बहुत मित्र ऐसे रहे जो दूसरी पार्टियों में रहे, कोई पुराना एनेक्डोट जो जो आज आपको याद आता हो। एनेक्डोट्स तो देखिए बहुत है, जैसे आपने बताया 47 साल का सफर काफी लंबा सफर होता है एक माध्यम के साथ। मेरी उम्र 20 साल की थी जब मैंने शुरू किया था, अब मैं 67 पूरे कर चुका हूँ। जी एनेक्डोट्स तो बहुत ज्यादा हैं। दो ऐसी बातें हैं जो मुझे कभी भूलती नहीं। व्हेन आई रियली फेल्ट एम्बेरेस्ड, जिससे मुझे थोड़ी सी एम्बेरेसमेंट हुई कि मुझसे ये गलतियां कैसे हो गई। तो एक तो ये था कि 1987 सन 87 में मॉस्को में फेस्टिवल ऑफ इंडिया था, तो राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, उधर मिखाइल गोर्बाचोव थे। अभी ग्लासनॉस्ट तो पेरेस्ट्रोइका पूरी तरह छाए नहीं थे, रूस पर, यूएसएसआर पर, सोवियत संघ जिसे कहते थे तब। जी तो यहां से राजीव गांधी लेकर गए थे गंगा जल, और वहां से वोल्गा नदी है, जी एक सैपलिंग, एक पौधा लगाना था राजीव गांधी ने और गॉर्बाचोव ने मिलकर, उसमें यहां से गंगा जल डालना था और उधर से मतलब वोल्गा का पानी वो डालना आने था। जाना। तो मैं लाइव कमेंट्री दे रहा था, मेरे साथ अंग्रेजी में थे राजीव मेहरोत्रा और मैं हिंदी में बोल रहा था। तो मेरे मन जी में निकल गया कि ये देखिए, ये जो पौधा लगा रहे हैं, दोनों देशों की दोस्ती का प्रतीक, इसमें राजीव गांधी गंगा जल डालेंगे और मिखाइल गोर्बाचोव वोडका जल डालेंगे। निकल गया। अब ये तो कहा नहीं जा सकता, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, शब्द वापस तो हो नहीं सकते जो निकल गए। मतलब एक तो ये एनेक्डोट याद है मुझे, ठीक है। जी दूसरी एनेक्डोट मुझे ये याद है कि मैंने संडे मॉर्निंग एक प्रोग्राम होता था मेरा, रविवार जी सुबह आपके लिए नाम से, बहुत मशहूर था वो। जी उसमें मैंने पढ़ दिया, कौन जाए गालिब दिल्ली की गलियां छोड़कर, जैसे रिवाज होता ना कि किसी भी शेर में गालिब का नाम लगा दो। जी तो बहुत चिट्ठियां आई, बहुत चिट्ठियां आई कि दुआ साहब आपसे ही उम्मीद नहीं थी कि आप गलत शेर पढ़ देंगे। तो जी फिर दूरदर्शन वालों ने कहा कि हम मतलब आप और हम नाम का एक प्रोग्राम आता था कि हम हाँ उसको टेकअप कर लेंगे। मैंने कहा आप जी टेकअप नहीं करेंगे, मेरा रिश्ता है व्यूअर से, दर्शक से, मैं अपने आप संभाल लूंगा इसको। आप करेंगे तो आप कहेंगे, आपकी शिकायत हम संबद्ध विभाग तक पहुंचा देंगे और जी उसकी कार्रवाई की जाए, ये सब रहने दीजिए। अगले जी हफ्ते मैंने कहा कि पिछले हफ्ते मैंने एक शेर पढ़ा था,
गालिब साहब के नाम से। कॉलेज के जमाने में वो शेर मैं अपने दादाजी के नाम से पढ़ता था। शेर जौक साहब का है कि हाँ हमने माना है दकन में इन दिनों कदरे सुखन, कौन जाए जौक पर दिल्ली की गलियां छोड़। वो कवर हुआ किसी तरह से। हाँ बस ये दो एनिक्डोट से याद है मुझे। मैं एक अपने दर्शकों को और एक बात बता दूं कि कभी कभी आपको विनोद दुआ साहब की में एक जिद नजर आती होगी, और मैं मुझे ये पहले नहीं पता था, क्योंकि जनरली जब आपका विकिपीडिया कहीं से कोई पढ़ता है तो ये होता है कि आप भी पार्टीशन के समय आपका परिवार नॉर्थ, लेकिन आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के उस जगह से को बिलोंग करते हैं जिसको आज तक कोई काबू में दुनिया में नहीं कर पाया है। वो बेकाबू लोगों का की जगह है, उस सरजमी से आप आते हैं। तो एक छोटी सी बात वहां के बारे में कह के फिर हम लोग अपने मुख्य उस पे आ जाएंगे। छोटी सी बात तो ये है कि देखिए वो जो सारा इलाका जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम लोग आते हैं डेरा इस्माइल खान नाम की जगह है साउथ वजीरिस्तान, ये है फाटा एरिया कहलाते थे, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज, या किसी का राज नहीं चला, अपने कानून चलते हैं। तो कह लीजिए पूरे हमारी जीन्स में यही है, जी जीन्स में तो भी यही है। जी बाद फिर आप दरिया सिंध पार करते हैं, फिर पंजाब शुरू होता है, फिर उसके बाद वो इलाका सारा आता है पानीपत के बाद, जिसे मेरी माँ अपने आखिरी दिनों तक हिंदुस्तान कहती रही है। जी अगर बैठे हुए मैं अपनी माँ के साथ बैठा हूँ तो बात हो जी रही है, तो मुझे बता रही जी सामने वाले घर में एक नए किराएदार आए हैं, तो मैंने पूछा जी कौन है, पता नहीं कोई हाँ हिंदुस्तानी है। कोई हाँ हिंदुस्तानी है। तो ये जो पूरा इलाका है, जैसे जी इस पर किसान आंदोलन चल रहा है, जो हिंदी पट्टी वाले हैं, हाँ बहुतों के लिए ये परिचय है पहला कि सिख क्या होते हैं, जी मतलब सिख जी कौम क्या होती है, ठीक है ना। जी तो बस उस इलाके की कुछ पानी में ही ऐसा है कि बगावत है, जी जी और जो बात सही नहीं है वो नहीं मानेंगे हम, बिल्कुल नहीं मानेंगे, चाहे राजद्रोह का मुकदमा हो जाए जो हो रखा है मुझ पर, कुछ भी हो, जो बात मैं ये नहीं मानेंगे। अब बिल्कुल सीधे आ रहा हूं, क्योंकि अभी जो एक मीडिया का एक रोल हो गया है, जो हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो मीडिया का मतलब सरकार से सवाल पूछना, और मूल रूप से सरकार और किसी से भी सवाल पूछने का काम होता था, और वो लोकतंत्र का इसी तरह से फोर्थ पिलर के रूप में मानते थे। आज की तारीख में आप देख रहे हैं, मैं आज सुबह का हिंदी पेपर एक पढ़ रहा था, उसके संपादकीय हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है, ये सरकार के प्रवक्ता के रूप में ज्यादा काम करने लगे हैं। तो ये चेंज आपको कहीं आ रहा है कि ये जो एक सफर सरकार पे लगाम लगाने की जगह उनके प्रवक्ता हो गए हैं अब हम लोग। देखिए इसकी जड़ में क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने देखा है बहुत सालों में। जी अब देखिए मैं हमेशा हर्षा भोगले का उदाहरण देता हूँ। हर्षा भोगले क्रिकेट को कितना बेहतरीन समझते हैं, जो विभिन्न जो अलग अलग इसकी विधाएं हैं, चाहे वो T20 हो, वनडे क्रिकेट हो, टेस्ट मैच हो, उनकी बारीकियों को समझते हैं, नुआंसेस को समझते हैं। अब वो कहें कि क्योंकि मैं क्रिकेट को समझता हूं, हाँ जी जितना अच्छा समझता हूं मैं उतना अब मैं खेलूंगा भी, तो जरूरी नहीं कि वो अच्छे खिलाड़ी साबित हो, ठीक है जी ना। हम जी लोग भी अपने अपनी काबिलियत के हिसाब से राजनीति को समझते हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारे माध्यम की वजह से हमारा इनसे राबता रहता है, इनसे बात बात होती रहती है, तो अमूमन हम में से ज्यादातर लोग ये गलती कर बैठते मानने की कि हम भी इन जैसे हैं, जी जबकि ज्यादा से ज्यादा अगर कोई पत्रकार रसूख की बात करे या रुतबे की बात करे तो उसको अंग्रेजी में इन्फ्लुएंस पेडलर कहेंगे, कि जी ठीक बात मतलब प्रभाव, अपने प्रभाव की प्रभाव का खोमचा लगाने वाला, कि हाँ ठीक बात मैं करवा दूंगा काम, मैं ये करवा सकता हूँ, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, क्यों, हाँ क्योंकि मैं रोज इस मंत्री से मिलता रहता हूँ, फलाने से मिलता रहता हूँ। सबसे बड़ी गलती ये होती है, जड़ में ये है कि खुद को उस क्लब का हिस्सा मान बैठना जिसके हिस्से आप नहीं हैं। जी आपको तो हर हालत में अपना फासला मेंटेन करके रखना है नेताओं से, आपको उनके पास तभी जाना है जब आपको इंटरव्यू चाहिए, सूचना चाहिए, कोई कंफर्मेशन चाहिए, कोई डिनायल चाहिए, बाकी वो तो चाहेंगे आपके कंधे पर हाथ रखें। रखें ठीक बात मुझे एक छोटा सा किस्सा याद आ रहा है, जी
मेरे एक कार्यक्रम होता था परख नाम का, हाँ 1993-94 है, जी उसमें एक छोटा सा सेक्शन होता था संवाद, 10 मिनट का इंटरव्यू। तो उसमें मैं लोगों को बुलाया करता था तरह तरह के, राजेश पायलट थे स्वर्गीय, उनको जी बुलाया। तब दिल्ली में उस वक्त सांस्कृतिक पुनर्जागरण रैली कर रही थी बीजेपी, पंजाब पुलिस को बुलाया था राजेश पायलट ने, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम थे। तो हमने इनको स्टूडियो बुलाया, अपने ये आए स्टूडियो हमारे, इंटरव्यू खत्म हुआ, बाहर निकले, मेरी पूरी टीम खड़ी थी, 50 के करीब लोग थे। तो उन्हें लगा कि विनोद को अच्छा लगेगा, तो मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रख दिया कि ओ विनोद को अच्छा लगेगा सबके सामने ना, अपनी टीम के सामने। और फिर मुझसे पूछा थोड़ी ऊंची आवाज में, अच्छा विनोद बता यार मैं इसको कैसे हैंडल करूं। तो मैंने बाइज्जत उनका हाथ हटाया, मैंने उनसे कहा देखिए अगर मैं बेवकूफ होता तो मैं आपको सलाह दे देता, एक्सपर्ट्स आपके पास हैं पुलिस के, नहीं लॉ एंड ऑर्डर के, मैं जी तो मीडिया वाला हूँ, जी ठीक है ना। तो ये एक ये वाइकेरियस सेंस ऑफ पावर, एक नकली बोध होता है ना जो जी सत्ता का, जी पत्रकार अक्सर उसके शिकार हो जाते हैं। जी सबसे पहली बात तो ये है, इसलिए वो चाहते हैं कि संबंध मधुर रहे, हम चाहते हैं मधुर नहीं, कड़वे भी नहीं, संबंध सिर्फ उतने ही रहे जितनी जरूरत है। जी एक जो आपको जो सवाल था कि सरकारी प्रवक्ता क्यों बनते हैं, इसीलिए बनते हैं कि उनको लगता है कि वो भी उसी क्लब के हिस्से हैं, जबकि हमारी दुनिया अलग है, हमारी कीबोर्ड की दुनिया है, किताबों की है, कलम की दुनिया है, सोचने की दुनिया है, उनकी दुनिया अलग है, उनकी सत्ता की दुनिया है। चाहे तो वो राजपुरुष बन सकते हैं, लेकिन अमूमन चवन्नी अठन्नी कमाने में ही जिंदगी बिता देते हैं। मैं इससे इसी से क्योंकि मैं भी अपना थोड़ा सा एक मैं छोटे शहर से हूं, मतलब लखनऊ में हूँ। दिल्ली रहा 18-19 साल, लेकिन अब लखनऊ में हूँ। पत्रकारिता लखनऊ की देखिए, यहाँ पे ज्यादा मैं सबका नाम तो लेने से जरा ठीक नहीं लगेगा लोगों को, लेकिन सभी लोग करीब करीब जो प्रिंट मीडिया है वो कई बिजनेस हाउसेस कंट्रोल करते हैं, और उनके जो मुख्य जो लोग हैं जो समाचार लाते हैं, उनका एक काम ये भी होता है कि उन साहब के अपने जो मालिक हैं उनका कोई इंटरव्यू, उनका मतलब कहीं ना कहीं संपर्क मंत्री जी से, सेक्रेटरी साहब से करते रहना, ये भी उनकी एक एक काम रहता है। सोशल मीडिया में एक आके एक फायदा ये बहुत बड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि जो सोशल मीडिया टुडे इज ओन्ड एंड रन बाय मीडिया कर्मी, जो मीडिया कर्मी है, जर्नलिस्ट है, वही इसके ओनर भी, वही रन भी कर रहे हैं। एक तरह से आपको कहीं लगता है कि जो मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं, जो सीरियस टाइप लोग हैं, उनको थोड़ी स्वतंत्रता मिल गई है सोशल मीडिया के आने से। बहुत ज्यादा स्वतंत्रता मिली है, और जैसे कि स्वतंत्रता या आजादी, इसके दो पहलू होते हैं, इसके भी दो पहलू हैं। जी आजादी का मतलब जिम्मेदारी भी होता है, और आजादी का एक मतलब पुरानी कहावत, बंदर के हाथ में उस्तुरा, दूसरा भी होता है। जी ये भी होता है। जी हम लोग 47 साल हो गए करते हुए, मेन स्ट्रीम मीडिया हमने किया है और पूरी जिम्मेदारी के साथ किया है। क्यों? क्योंकि अगर आजादी हमें मिली जब पहले प्राइवेट चैनल आने शुरू हुए, हमारे लिए बड़ा मतलब अच्छी अच्छे खुले माहौल में सांस ले रहे थे। कब की बात है मैं आपको बताऊं, सन 92 में जी टीवी शुरू हुआ, मेरा जी कार्यक्रम था चक्रव्यूह उसमें। उसके जी बाद से फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक नए चैनल आते गए, न्यूज़ चैनल आते गए, स्टार न्यूज़ सबसे पहले आया जिसका कंटेंट ये एनडीटीवी वाले दिया करते थे। जी जी उसके बाद फिर जी न्यूज़ दूसरा शुरू हुआ 99 में, 1999 में। शुरुआती दौर तो बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद जो पूरी जैसे वो रेस लग गई, कॉमेडी जी शो भी आने लगे, भूत भूतनी किस्म के शो आने लगे, नाग नागिन, आने लगा। जी टमाटर में हनुमान, जी मतलब इस तरह के हाँ शो भी आने लगे। तो वो न्यूज नहीं थे वो, ठीक है ना, वो तो आप जी लो कॉस्ट रियलिटी एंटरटेनमेंट चैनल हो गए, आप जी न्यूज से हट गए आप, जी ठीक है। ये डिक्लाइन मिड 90 से ही शुरू हो गया था कि आजादी अगर मिली है तो उसकी कद्र नहीं जानी बहुत लोगों ने। सोशल मीडिया, जहां तक बात है सोशल मीडिया में शुरू में तो मतलब देखिए पैसा नहीं है सोशल मीडिया में जी सही बात ना, तो वही लोग जाएंगे जिनको जाना है, मतलब जिनको जाना ही है जी वही जी लोग जाएंगे। तो उसमें अच्छी बात यही है कि अमूमन जिम्मेदारी होती है, लेकिन जब गलत इस्तेमाल होते हैं, आईटी सेल बनते हैं कंपनियों के, ये कंपनी कह रहा हूँ, कंपनियां ही हैं, पार्टियां भी, पॉलिटिकल हाँ पार्टीज, पार्टी आईटी, तो अब कंपनी चला रही है। हाँ, तो
आईटी सेल्स बनते हैं, वो ट्रोलिंग करते हैं, गाली गलौज, संवाद का स्तर एकदम नीचे ले आना, बहस में, बहस से ही पता चल जाता है ज्ञान कितना है, जी विमर्श होता है उससे पता चल जाता है ज्ञान कितना है। ये गुलजार साहब की कविता मैंने कल परसों के पढ़ी थी, और बातचीत से पता चल जाता है कि संस्कार कितने हैं, जी परवरिश कैसे हुई है किसी की। जी सोशल मीडिया ने एक तरह की ये आजादी भी दी है कि खुलेआम जो जी मैं बोल दो, ये आजादी भी दी है कि जो हमने करना है काम वो करना है। इसलिए अब निगाह सोशल मीडिया पर है सरकार की कि इसको कैसे रेगुलेट किया जाए। जी जी तो एक तो मैं इसके बाद एक चीज और समझना चाहूंगा कि एक सरकार ने एक नया आजकल क्लॉज लगाया है कि आपके किसी कंटेंट से राष्ट्र की छवि धूमिल कर रहे हैं। अब राष्ट्र की छवि धूमिल करना ये कौन डिसाइड करेगा? आप कहीं कुछ ऐसा काम कर दे रहे हैं रोज सुबह से शाम तक हमारे मंत्रीगण, उससे राष्ट्र की छवि धूमिल हो रही है। अब वो राष्ट्र की छवि धूमिल के आड़ में मीडिया का, खास करके सोशल मीडिया का, उत्तर प्रदेश में तो काफी उत्पीड़न की बात हम, मैं कहूंगा कि अगर किसी ने कुछ ऐसा दिखा दिया जो भाई मिड डे मील में अगर पानी और रोटी खिलाई जा रही है तो मैं तो उसको अवार्ड देना चाहिए उस रिपोर्टर को जिसने ये दिखाया है, उसको आप राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में कि आपने राष्ट्र की छवि खराब की, इस पे भी थोड़ा सा विनोद भाई आप जरा बताते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि जो लोग ऐसा कहते हैं और जो लोग ऐसा मानते हैं उनको शायद फर्क नहीं मालूम कि सरकार, सरकारी मशीनरी, स्टेट, राष्ट्र, सभ्यता, इतिहास, ये अलग अलग चीजें हैं। सरकार देश नहीं है, सरकारें तो आती हैं जाती हैं, स्टेट चलती रहती है, स्टेट मशीनरी जो होती है वो चलती रहती है, ठीक है ना। मुझे याद पड़ता है कि एक केस था गुजरात में, गुजरात में सॉरी महाराष्ट्र में था कहीं, 350 साल से ज्यादा हो गए थे चल रहा था, हैं 350 साल, 350 साल, मतलब 10-12 पुश्ते निकल गई होंगी, 8-10 पुश्ते तो निकल ही गई होंगी। मेरे साथ थे TN शेषन उस वक्त, हाँ हम पुणे में थे, किसी फंक्शन में गए थे, वो चीफ स्पीकर थे, मैं चीफ गेस्ट था वहां, तो हम वैसे बैठे हुए थे फंक्शन से, मैंने मैंने कहा भाई सुना मैंने यहाँ एक केस है ऐसा, वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, इसकी क्या वजह है? तो वो बोले कि यहाँ का शासन बहुत मजबूत है, महाराष्ट्र का शासन जो है ना उसकी जड़ें बड़ी गहरी हैं, पेशवाओं के जमाने से ले लो, उससे भी पहले ले लो, वो चलता आ रहा है सारा। तो मैंने कहा क्या ये शरद पवार है मुख्यमंत्री इसकी वजह से है? तब शरद पवार थे मुख्यमंत्री, बोले नहीं मुख्यमंत्री आते हैं जाते हैं, शासन यहाँ का पूरा पुराना मजबूत पुख्ता है इसलिए वो चलता आ रहा। तो ये बातें भी हैं। अब जो शासन है वो चलता आ रहा है, ना जाने कितनी सरकारें आई कितनी गई, पेशवा भी आए वो भी गए हैं, तो हमारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो समझते हैं कि जो सरकार है मौजूदा यही देश है, यही संस्कृति है, यही सभ्यता है, यही इतिहास है। तो इसलिए अगर सरकार की आलोचना करोगे आप तो आप देश की आलोचना कर रहे हो, राष्ट्र की छवि धूमिल कर रहे हो। अब राष्ट्र कहाँ से आ गए बीच में? मतलब ये बेतुकी बातें जो होती है ना जिनके कोई तुक नहीं है, कोई आपस में तार्किक संबंध नहीं है, नहीं। ना जैसे अगर ममता बनर्जी कोलकाता में कह रही कि तुम हमें चंडीपाठ सिखाओगे, तो गिरिराज किशोर कह रहे हैं कि वाह वाह मोदी जी हैं, ममता जी को चंडीपाठ याद दिला दिया, अब उसमें मोदी जी कहाँ आ गए? ना वो कहाँ से आ गए? तो हम लोग ये गड्ड मड कर देते हैं ना, जो बीच में मिला देते हैं चीजें, हम सरकार को कंफ्यूज कर देते हैं राष्ट्र से, हम सिस्टम को जो पूरा एक सरकारी मशीनरी है उसको भी राष्ट्र से कंफ्यूज कर देते हैं, हम अपने देश को राष्ट्र से या सभ्यता से कंफ्यूज करते हैं, जबकि देशों की सीमाएं बदलती रहती हैं, जो सभ्यता है वो हजारों साल से चलती आ रही है होती। तो ये कम दिमागी है, सोच बिना सोचे समझे राष्ट्र छूटते ही राष्ट्र, मतलब नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि राष्ट्र सरकार में अंतर तो छोड़ दीजिए, अब सरकार और पार्टी में भी लोगों ने अंतर करना बंद कर दिया कि आप एक पार्टी विशेष को अगर कुछ कह रहे हैं तो आप राष्ट्र विरोधी मान लिए जाते हैं, ये मान के चला जाता है। क्योंकि आपको भी लगता होगा जब रोज आप कमेंट पढ़ते हैं और बहुत उस समाज में रहते हैं, लोग कहते हैं भाई क्यों ये तुम उनके पीछे क्यों पड़ गए हो? अरे हम कहते हैं हम पीछे नहीं पड़े, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं किसी विशेष के पीछे नहीं पड़ा हूँ। ये आपको भी रोज आपको भी झेलना पड़ता होगा, मुझसे ज्यादा, मुझसे कई गुना ज्यादा।
देखिए, अव्वल तो मैं इतना समय रखता ही नहीं हूं ऐसे सवालों के लिए। मैं आपको सही बताऊं, जी क्योंकि मतलब एक शौक ही पुरानी कहावत है कि शौक ही है किसकी है, जी नेवर रेसल विद ए पिग, जी ही विल टेक यू डाउन टू द मड हिज ओन लेवल एंड बीट यू विद एक्सपीरियंस। क्या पीछे आप हाँ ऐसे शख्स को मुंह ही नहीं लगाना, क्योंकि वो बेवकूफ है और बेवकूफी में उसका तजुर्बा बहुत ज्यादा है आपसे, हाँ वो आपको तजुर्बे से मार देगा। उन्हीं सवालों के जवाब देने हैं जो देने लायक हैं, पहली जी बात तो ये। दूसरी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ना सिर्फ पार्टी और सरकार के बीच का कंफ्यूजन कि पार्टी ही सरकार है, बल्कि अब इसमें धर्म भी ले आए हैं कि जो सरकार की आलोचना करे वो ना सिर्फ राष्ट्र विरोधी है, वो धर्म विरोधी भी है, पार्टी जी विरोधी तो है ही। इन आई तीनों को मिलाकर एक नई सब्जी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जी अब जी इस लॉजिक को, इस तक के विश्व भारतीय तर्क पद्धति को समझिए और इसका जवाब ढूंढिए। जी कोई जरूरत ही नहीं है एंगेज होने की ऐसे फिजूल के अब सवाल। मैं अपने उस सेगमेंट की तरफ आ रहा हूं जिसका इंतजार ज्यादा रहेगा लोगों को, और आपसे जब भी बात करते तो मैं करंट अफेयर्स की एक दो प्रश्न आपसे समझना चाहूंगा। ममता बनर्जी को कल परसों एक दुर्घटना में उनमें एक चोट लग गई और वो अस्पताल में भर्ती है, उनकी चोट आई है, एक 66 वर्षीय महिला को चोट आई है, तो ये किसी के लिए भी संवेदना की बात होनी चाहिए। वो अलग बात है कि हमारे जो बड़े पद पे लोग बैठे हैं वो उस तरह की संवेदना नहीं दिखाते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चीज आपसे समझना चाहूंगा कि ऐसी एक दुर्घटना या घटना बालाकोट और पुलवामा में हुई थी, और आज की तारीख में जो कोई कह ले, मैं जितना उस समय समझ रहा था, उस दुर्घटना या घटना से पहले बीजेपी चुनाव हार रही थी। आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से कह रहा हूं, 2019 का अगर बालाकोट पुलवामा नहीं हुआ होता तो जितनी मैं मेरी समझ है उसके हिसाब से बीजेपी 303 सीट नहीं पाती। उस दुर्घटना या घटना ने बीजेपी को एक स्पेस दे दिया और बीजेपी 303 सीट लेके आ गई। क्या ममता बनर्जी को इस जो दुर्घटना हुई जिससे उनको चोट लगी है सीट के नंबर्स में, ये थोड़ा मतलब ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूं, चुनाव चल रहा है, चुनाव में तो सब चीज मानी जा रहे हैं, उनको वोट का फायदा होगा? देखिए, मैं आपको सही बताऊं, पहली बात तो ये है कि अब ममता बनर्जी को चोट लगी है, इस पर एक ये भी चल रहा है कि वो नहीं लगी हाँ जी है, जेड क्लास सिक्योरिटी है उनके पास, जी कैसे लग सकती है? अब जेड है या नहीं मैं नहीं जानता, जेड प्लस, उनके अपने कार्यकर्ता उनके साथ चलते हैं, कैसे कोई उनको धक्का दे सकता है? अब जब भीड़ चलती है ना, चाहे वो जेड क्लास सिक्योरिटी हो चाहे वो कार्यकर्ता हो, तो कुछ पता नहीं होता। राजीव गांधी की मालूम नहीं कौन सी सिक्योरिटी राहुल गांधी को भी धक्का दिया गया था, या हमने ये ओखला, ये कौन, यमुना एक्सप्रेस वे पर थी। जब रैली थी तो जी, वो देखा था, गिर गए थे, सबने देखा था। वो गिर गए थे। अच्छा, मेरा ये कहने का मतलब ये कि अगर पलस्तर लगा हुआ है, हॉस्पिटल में है, यहां तक नौबत ही क्यों आए राजनीति के पहुंचने की? क्या मैं कल्पना कर सकता हूं कि बिधान चंद्र रॉय जब मुख्यमंत्री हाँ वेस्ट बंगाल के, ज्योति बासु जब मुख्यमंत्री थे, इस तरह की घटनाएं, वैचारिक मतभेद जो मर्जी हों, लेकिन शालीनता का एक स्तर होता है, राजनीति की शालीनता का स्तर होता है, जब आप नीचे ले आते हैं उसको, तो फिर इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब जैसे आपने पुलवामा, बालाकोट वगैरह का जिक्र किया, अब उस पर एक इलेक्शन कमिश्नर को भी जाना पड़ा था, एक जी। इलेक्शन कमिश्नर जो जो जिसका सरकार से उस ढंग से जवाबदेही नहीं है, वो अलग संस्था है, उसको भी जाना पड़ा था। तो जब स्तर ही राजनीति का इतना यहां तक आ जाए, तो फिर यही बातें होती हैं, पहली बात। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि एक जीवंत लोकशाही के लिए, लोकतंत्र के लिए, काबिल नागरिक का होना जरूरी है, बुनियाद तो वही है। संविधान तो हमारी ईंट है, हमारा नींव है, वो है, वो एक संदर्भ है, वो दिशा ज्ञान है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उसका क्रियान्वयन करने के लिए नागरिकों का काबिल होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ नागरिक काबिल नहीं है, माफ करें, वो इस ढंग से आप हो सकते हैं काबिल, मैं हो सकता हूँ, कुछ और हो सकते हैं, लेकिन मजबूर है यहाँ नागरिक भारत का।
मजलूम भी है, मजबूर भी है, सारी उम्र इसी जद्दोजहद में बीत जाती है कि किसी तरह जिंदा रह पाए, बच्चों को कुछ पढ़ा लिखा दें। सारी उम्र छोटी छोटी चीजें जो कुदरत ने हमें दी हैं उनको लेने में, उनको नेगोशिएट करने में बीत जाती हैं। कि जी पानी मिल जाए पीने का, जी पानी का कनेक्शन मिल जाए, बिजली मिल जाए, उसी में ही मतलब। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि अंग्रेजों की होता ना ढकी छुपी नीति होती है, जो लिखी नहीं जाती, जो बोली नहीं जाती, हाँ कि जो भारतीय है, नेटिव जो है, रहने इसको छोटे मोटे भ्रष्टाचार में लिप्त रहने दो, ताकि दो। अंतरात्मा की आवाज जैसी कोई हिम्मत ही ना हो उसमें सवाल पूछने की। तो छोटी छोटी बातों में अपना हेरा फेरी थोड़ी बहुत तुम भी ले ले, तुम मतलब चाहे वो ट्रैफिक का चालान हो, चाहे वो कुछ भी करना हो, नीचे के लेवल पर चलने दिया करो, ताकि वो लोग कॉम्प्रोमाइज रहें, इसी में ही जिंदगी बीत जाए। हाँ काबिल मैं इसमें भी इसको कांग्रेस एक और ढंग से भी देख रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आया, कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जब बनारस गए थे तो वो सीढ़ी पे फिसल के गिर गए थे, और मैं बिल्कुल कहूंगा इस देश में किसी ने भी इस पे कोई एक शब्द नहीं बोला था। भाई कोई भी एक व्यक्ति जो एक 60 पार कर गया है उसके प्रति एक सीनियर सिटीजन हम बोलते ही हैं, एक बेसिक सम्मान होना चाहिए। अगर किसी का पैर फिसला है तो उसको मजाक का विषय नहीं हो सकता। और मैंने उस पर कोई मजाक का ना व्हाट्सएप देखा, ना मीम देखा, ना कुछ देखा। ममता जी अगर ये हुई हैं तो मैं शुद्ध, मुझे लगता है वोट की राजनीति भी अगर कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री अगर फोन उठा के ममता बनर्जी से बात पूछ लेते कि भाई आपकी तबीयत कैसी है, तो उनके वोट बढ़ जाते हैं। जो बजाय इसके कि जो पीयूष गोयल साहब जिस तरह के अनर्गल वार्तालाप करने लगे केंद्रीय मंत्री होके, तो मुझे उससे गंभीरता है, जी कभी गंभीरता से लिया नहीं हमने। क्या बोले वो पीयूष गोयल? पीयूष गोयल जी का था कि ये सब ड्रामा हो रहा है और उनको चोट उठने लगी है। मतलब आप केंद्रीय मंत्री हो, एक 66 वर्ष की महिला है, ये कोई 10-20 बरस की लड़की नहीं है कि आप इस तरह की बात करो। आप उसके साथ एक मिनिमम कर्टसी और संवेदना तो होनी ही चाहिए। देखिए, वो तो आपको याद होगा कि शेख हसीना वाजिद को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, जी कि औरत होके भी जी आप ये सब कर रही हैं। हाँ उससे पता चल जाता है कि मतलब सोच क्या है। औरत होके भी, जैसे औरत होना, महिला होना अपने आप में एक हैंडीकैप है ना। जी तो ये पूरी पूरी सोच ही यही है। और मजाक उड़ाना, एक वो होता है ना कि जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, जी जिन लोगों को शास्त्रीय संगीत की समझ नहीं है, ठीक है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब गा रहे हैं, ठीक, मतलब और जब वो गा रहे हैं तो जिसको समझ नहीं है वो कह सकता है कि ऐसी आवाज तो हमारा मंटू भी निकाल लेता है, ये गरारे करने वाली आवाज। तो जो अपने जी पास नहीं है उसका मजाक उड़ाओ, अपने पास डिग्री नहीं है तो हार्डवर्क हार्वर्ड कह दो, जो जी अपने पास, जो अपने साथ नहीं है उसका मतलब उसको एकदम डेमोनाइज कर दो। जी जी क्या जरूरत है कहने की कि मतलब लटेंस गैंग और अवार्ड वापसी गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग, कौन से गैंग है, कहाँ पर है? मतलब जो अपने पास नहीं है, जो अभी जाते हो, जो जिनसे वैलिडेशन चाहिए आपको इलीट से, वो मिल नहीं रही है आपको, जी इसलिए आप उनसे ही मतलब उनको डिमोनाइज करके, मजाक उड़ा के और एकदम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई मतलब बड़प्पन नहीं है। जी मैं एक चीज इसलिए कह के उसको आगे निकल जाऊंगा, आपसे उस पे रिएक्शन नहीं चाहूंगा, क्योंकि लगेगा कि हम लोग एक पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं। जिस तरह से सोनिया गांधी के बारे में जो लफ्ज इस्तेमाल किए गए थे, और शशि थरूर की जो उनकी पत्नी की जो मृत्यु हो गई उसके पहले जो शब्द थे वो किसी भी तरह से गरिमामय नहीं थे। मैं अब एक दूसरे जरूरी सवाल पे आ रहा हूं। आज पूरा देश कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से वो है। मैं खुद सिंघू बॉर्डर गया था, और मैं तो अपने जितने लोग हैं जो भाजपा के समर्थक भी, हम कह रहे हैं कि एक बार सिंघू बॉर्डर जाके 4-6 घंटे गुजार के आ जाओ, और फिर तुम्हारा ओपिनियन अगर ना बदले। मेरे जो मित्र हैं, बहुत से मित्र हैं जो ऐसे, उनको लगता है कि नहीं, वो प्रायोजित है, वो है। मैं गया था, किसान आंदोलन को आप कैसे देख रहे हैं? ये कहां अंत कैसे होगा? इसका अंत तो होना ही, लेकिन सारे किसान जो मैं मिला हूं वो कह रहे हैं जब तक बिल वापसी नहीं, उनके यहाँ कोई वो नहीं है कि वो वहां से उठेंगे। देखिए, अब तो जो किसान आंदोलन के नेता हैं, अब तो उनके हाथ में भी नहीं है कि नहीं आंदोलन को बंद किया जाए। जी। ये तो पानी की तरह फैलता जा रहा है, बड़े शहरों की परवाह नहीं कर रहा है।
दिल्ली के सिर पे, बॉर्डर पर तो आकर बैठ ही चुके हैं कब से, 100 दिन से ज्यादा हो गए हैं, ठीक जी है। जी अब जैसे ये जनरल JFR जेकब थे, उन्होंने किताब लिखी थी सरेंडर एट ढाका, बांग्लादेश युद्ध के समय, और ये पुरानी स्ट्रेटेजी भी रही है वर्ल्ड वॉर 2 की, कि पानी की तरह चलो, जहां जहां टापू आए, द्वीप आए, उसको स्कर्ट करते और जाओ, वो जी, है ना, और पानी की तरह चलते जाओ। तो उसमें यही था बांग्लादेश में, कि जो जो बड़े बड़े शहर हैं, जहाँ कैंटोनमेंट है, मैमनसिंह हो, जैसोर हो, और जिस शहर हैं, उनको अवॉइड करते जाओ, सिर्फ ढाका की तरफ बढ़ो तुम, क्योंकि साइकोलॉजिकल उसका असर बहुत बड़ा है। तो पावर किसान सेंटर। किसान हाँ इस वक्त जो है वो सिर्फ दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं, घेर कर भी नहीं बैठे, उनका रास्ता रोका हुआ, सरकार ने जी रोका है, ठीक है ना। बाकी वो गांव में फैलते जा रहे हैं, जगह जगह महापंचायतें हो रही हैं, जगह जगह पर, राजस्थान में हो रही है महापंचायतें, उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, हरियाणा और पंजाब में तो हो ही रही हैं, रैलियां निकल रही हैं, और राज्यों में भी हो रही हैं। तो ये तो एक खामोश सिविल नाफरमानी होती है ना, जो जी सिविल जी डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसे गांधी जी के जमाने में सविनय अवज्ञा कहा गया था, जी है, जो जी भारी भरकम शब्द दे दिया, हम हाँ पढ़ते थे सविनय अवज्ञा, तो हाँ लगता था कि इतिहास पढ़ रहे हैं या हवन कर रहे हैं। जी तो हाँ एक खामोश सिविल नाफरमानी का दौर चल रहा है इस वक्त। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन के नेताओं से भी अब बाहर है, उससे भी बड़ा हो चुका है। अब वापिस अगर जाते हैं किसान, तो मालूम है कि अगले 35-40 साल तक इस तरह की मोबिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। अभी तक शांतिपूर्वक रहा है, ठीक है, अभी तक जी कोई ऐसे हमारे पास रिपोर्ट्स नहीं आई है कि बहुत बड़े व्यापक स्तर पर या किसी भी स्तर पर, छोटे स्तर पर भी कोविड फैला हो। जी है? जी और जो सेवा भाव आपने सिंघू बॉर्डर पर देखा होगा, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब मेरे जो हिंदी पट्टी वाले लोग हैं वो कहते हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था कि मतलब ये ऐसा कौन भी हो सकता पट्टी है, है। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो ये किसान आंदोलन तो अब निकल चुका है, शहरों की परवाह नहीं कर रहा, स्टेट कैपिटल्स की परवाह नहीं कर रहा, आपको लखनऊ में नहीं दिखेगा, जी ठीक है ना, कि कोई घेर के या मतलब ना आने की कोशिश हो रही हो, आपको ये राजस्थान में नहीं दिखेगा, जयपुर में, जयपुर में नहीं दिखेगा, लेकिन छोटे शहरों में दिखेगा, छोटे छोटे मतलब गांव में, बल्कि कस्बे और गांव में। जहां 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 सरकार नहीं पहुंचती है, जी ठीक है ना, जो आम आदमी का जो सबका पड़ता है या सामना होता है, वो तो प्रशासन के सबसे निचले स्तर पर होता है ना, कांस्टेबल जी होगा आम आदमी का सामना, पुलिस जी कमिश्नर नहीं होगा, अगर जी नालियों में कचरा है तो उसे सबसे नीचे वाला सफाई कर्मचारी साफ करेगा, म्यूनिसिपल कमिश्नर तो नहीं करेगा। तो ऐसे में सरकारें हैं ही नहीं बहुत जगह पर, सरकार की मौजूदगी ही नहीं है। अभी भी आपको मिल जाएंगे किस्से कहानियां, समझते हैं कि जी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है आज भी, है ना, जी सरकार, जरूरी नहीं कि सरकार सार्वभौम और सब जगह फैली हुई है, नहीं फैली हुई है, बहुत जगह पर पहुंच नहीं है। अभी तो एक स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर या कोई प्राइमरी सेंटर, हेल्थ सेंटर वगैरह के शक्ल में है, तो वहां वहां किसान आंदोलन फैल रहा है इस वक्त, सारा उस तरफ जा रहा है, और ऐसे ही मतलब मास मूवमेंट चलते हैं। तो मुझे तो ये दिख रहा है कि अगर ये अपनी हठ धर्मी छोड़ दें, कि लोगों को मतलब अगर इतने दिन से लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें बार बार वही कॉलेज के स्तर की राजनीति करना, की मीटिंग करते हैं, 12 मीटिंग्स कर ली, आप अपने बताइए हमें, इससे काम नहीं बनेगा, ये आपको स्टेट्समैन बनना पड़ेगा इसमें। और एक मैं आपको और जोड़ दूं, जब मैं गया तो जैसे गाजीपुर बॉर्डर पे गया सिंह, तो भाई रास्ता पूछना पड़ रहा था पुलिस की, जहां पिकेट्स थे। मेरा अपना अनुभव ये रहा कि जहां मैं पूछ रहा था तो पुलिस के कांस्टेबल और पुलिस के ASI तक वो आगे बढ़ के बता रहे थे, नहीं उधर जाइएगा, दूसरे कट से, उस गांव से अंदर निकल लीजिएगा। मतलब उनको एक तरह से वो वॉलंटियर करना चाह रहे थे कि आप कैसे कैसे जाइए। मैंने कहीं भी एक जगह, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि कहीं पुलिस से पूछे तो उसको ये लगे कहां जा रहे हो। उन्होंने एक बार भी नहीं, अच्छा वहां जाना है, मंच तक जाना है, हाँ मंच तक जाना है, तो वो अपने शॉर्टकट बता रहे थे, क्योंकि मेन रास्ता तो बंद है कि कैसे किस गांव से निकलिए। पुलिस वाले बिल्कुल ठीक से सहयोग किए मेरा। मैं वो भी तो गांव से हैं, जी जी वो भी तो गांव जी से हैं, जिस स्तर पर आपकी उनसे मुलाकात हुई, वो कोई मतलब डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर स्तर पर तो नहीं हुई, सड़क नहीं पर, नहीं नहीं बैरिकेड जी पर, है जी ना, उसमें आपको कांस्टेबल भी मिले होंगे, ASI भी मिले होंगे, बस बस उतनी तक। हाँ क्योंकि कांस्टेबल, ड्यूटी, हाँ
सब गांव से हैं वो भी, उनको भी मालूम है इसका मतलब क्या है, तीन कानूनों का मतलब क्या है, वो भी जानते हैं। एमएसपी का मतलब क्या है, एमएसपी को गारंटी तो नहीं है कि सरकार जी खरीदेगी, लेकिन जी एक बेंचमार्क तो है, एक ढाल तो है। है और ये कहना कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, अगर इतना ही है तो कानून बना दीजिए ना आप, इतने इतने ही आप मतलब दमखम से कह रहे हैं तो बना दीजिए कानून। बहरहाल मैं यही कहूंगा कि किसान आंदोलन की जहां तक बात है, आंदोलन जब लंबे चलते हैं तो टैक्टिकल रिट्रीट्स भी होती हैं, खामोश भी रहते हैं, फिर नई रणनीति अपनाई जाती है, मिड कोर्स करेक्शंस होते हैं। सारे जी जी आंदोलन इस बात के गवाह हैं। और एक और बात, जी हमारे यहाँ कोई भी हथियारबंद आंदोलन कभी भी कामयाब नहीं हुआ है, नहीं हुआ जी। चाहे वो नक्सलवाद हो, कलकत्ता वाला, बंगाल वाला, या हाँ आज जो चल रहा है नीचे तक, चाहे वो पंजाब में उग्रवाद का जो एक चला था, अलगाववाद का, जी वो कश्मीर में चल रहा है हथियारबंद, वो हो, जहां जहां हथियारबंद हुआ है कभी कामयाब नहीं हुआ। कामयाब नहीं हुआ तो राजनीति के रास्ते से ही होगा, शांतिपूर्वक आंदोलन से होगा, और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का होना जरूरी है जो इस वक्त अभी भी रजाई से निकलने की कोशिश कर रही है, जी। जबकि फर्क ये तो काम उनका है, ये काम उनका है जो किसान कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी इस चर्चा में भाग लेने के लिए, एक समय का पता ही नहीं लगा। मैं एक आखिरी चीज, अगर बहुत से दर्शकों को मालूम तो है कि ये एक बहुत ही बड़े थिएटर पर्सनालिटी, अगर शायद आप सूचना के इस मीडिया में नहीं आते तो कोई ना कोई बड़े एक्टर होते, और गाना बहुत सुंदर गाते हैं, तो अगर एक कुछ लाइन, एक दो लाइन गुनगुना दे तो अच्छा। गला शायद खराब है आपका, वो मैं देखता हाँ, हूं वो तैयार भी नहीं था मैं जी। एक्टर कभी नहीं रहा हूँ, डायरेक्टर थिएटर नहीं, थिएटर में मैंने ये किया था कि श्रीराम सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर है दिल्ली का, उसमें सूत्रधार पपेट थिएटर था, हाँ जिसे दादी पदम जी ने शुरू किया था, तो मैंने बच्चों के लिए दो नाटक लिखे, अच्छा हाँ, जिसे एमसीडी के स्कूल्स ने ले लिया, ओ नर्सरी स्कूल के बच्चों के लिए, तो करीब जी 20 या 25 हज़ार शोज हुए उन नाटकों के, पपेट अच्छा पुतलियों वाले, अच्छा वो अच्छा हाँ, तो एक तो दो तो लिखे, एक को डायरेक्ट भी किया और पपेट डिजाइन भी किए मैंने, एक ये था। दूसरा, आज जैसे आपने गाने का कहा, थिएटर में मुझे एक्टिंग नहीं आती है, मुझे मालूम नहीं होता कि मैं अपने हाथों का क्या करूं, तो मैंने कभी करी ही नहीं एक्टिंग। मैंने जी गाया जरूर, कोरस लीड किए हैं, गाया जरूर, और एक बार जो करी थिएटर में, जब वो बड़ा ही जबरदस्त दौर था थिएटर का, जब बेहतरीन से बेहतरीन लोग दिल्ली में हिंदुस्तानी रंगमंच करते थे, अंग्रेजी करते थे, कि मैं कमाता था, टेलीविजन में आता था तब भी, जी हमेशा नाटक देखा, रंजीत कपूर का बेगम का तकिया हो, चाहे वो रंजीत कपूर का ही वो संध्या छाया हो, मुख्यमंत्री हो, राजेंद्र नाथ का वो जाति पूछो साधु की हो, जी 20 20 शोज देखे, 15 15 शोज देखे, 30 30 शोज देखे, और टिकट लेकर देखे, अच्छा हमेशा टिकट लेकर देखें, किताबें हमेशा खरीद के पढ़ता हूँ, सिनेमा बहुत कम देखता हूँ, वो जब भी देखता हूँ मतलब ऑब्वियसली कोई टिकट ही लेके देखेंगे, थिएटर जो है वो हमेशा टिकट लेकर, मुफ्त में कभी भी नहीं। तो थिएटर से मेरा संबंध बड़ा गहरा है दिल का, लेकिन जो योगदान रहा है वो बहैसियत एक गायक और लेखक, प्ले राइट, ये रहा है। थैंक यू सो मच विनोद जी फॉर ज्वाइनिंग अस। अब आगे कभी आपका जब गला ठीक हो जाएगा तो एक बार आपसे के साथ बात करेंगे और थोड़ा आपसे गाना भी सुनेंगे। जरूर थैंक यू सो मच। थैंक यू।